हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। और एग्जाम में काफी कम वक्त बचा है तो आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों का एग्जाम, केमिस्ट्री का पर्टिकुलर एग्जाम, बहुत ही अच्छा जाए। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए फिर से छोटी सी वीडियो जो आप लोगों को देख लेनी फटाफट, जो बहुत ज्यादा काम आएगी। इसके अंदर एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक जो आपकी है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 केमिस्ट्री की बुक, उसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनके सीधे आने के चांसेस हैं। एक्चुअल में ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो सीबीएसई टीचर के टिक मार्क किए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्क्लेमर में नीचे लिखा भी है, मेंशन किया हुआ है कि सीबीएसई के जो टीचर है बेसिकली उसके थ्रू हमने ये टिक मार्क लिए हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रिपरेशन आप जरूर करो। और अगर आप इनकी प्रिपरेशन ही कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो चलो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन से है। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख सकूं, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे इस तरह से आपके लिए ये क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि टिक मार्क थे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे सॉलिड स्टेट आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो ये देखो इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, तो पहले लिया हमने सॉलिड स्टेट। आपको क्या करना है, अपनी बुक ले लेनी है, सॉरी सॉलिड स्टेट का आप चैप्टर खोल लो। उसके अंदर देखिए पेज नंबर होगा 16, 16 नंबर पेज पे 1.2 नंबर एग्जांपल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 21 उस पे 1.5 नंबर एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 31 उस पे क्वेश्चन नंबर है। देखिए ई का मतलब तो हो गया एग्जाम्पल होगा और क्यू का मतलब हो गया क्वेश्चन होगा, तो आप ध्यान रखना है आप लोगों को। पेज नंबर 31 पे 1.10 ये क्वेश्चन है, 1.16 एक क्वेश्चन है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 1.23 एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर पेज पर है जरा ध्यान से देखो, 32 नंबर पेज पर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से मैंने पर्टिकुलर स्लाइड को मैंने तैयार किया है। सो ई का मतलब हो गया एग्जाम्पल है और क्यू का मतलब हो गया वो क्वेश्चन है। पेज नंबर साथ में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर भी मेंशन है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 लेते हैं, सोल्यूशन चैप्टर है और उसमें 52 नंबर पेज आप लोगों को खोल लेना है, उसपे 2.9 नंबर का एग्जाम्पल है। इसी तरह से पेज नंबर है 58, उसपे 2.13 वाला एग्जाम्पल है। 59 नंबर पेज पर 2.3 वाला क्वेश्चन है और 62 नंबर पेज पर 2.41 वाला क्वेश्चन है, जो आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम बचा है। मान लो कि किसी की प्रिपरेशन नहीं है और उसको बड़ी हेडेक हो रही है, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, आप ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन है ना फटाफट से तैयार कर लो जितना भी टाइम बचा हुआ है। बैठ जाओ कॉपी लेके, पेन लेके, टेंशन मत लो, क्विक रिवीजन करो, इन क्वेश्चंस को देख लो। और जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है उन क्वेश्चंस को जरूर देखो, आगे जितने भी मार्क्स होंगे आपके 70 out of 70 के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। सो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के जो पेपर होता है आपके 12th का पेपर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आपकी बुक के अंदर सीधे एज इट इज बिना डेटा चेंज किए आ जाते हैं। तो उनमें से ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग को याद कर लेने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी के जो आपके टीचर होते हैं उन्होंने मुझे दिए हैं, सीबीएसई के टीचर ने। ठीक है, सो फाइनली 72 नंबर पेज है जिसपे एग्जाम्पल है आपका 3.3, 77 नंबर पेज है जिसपे एग्जाम्पल है 3.4, 82 नंबर पेज है जिसपे एग्जाम्पल है 3.9, एंड 92 नंबर पेज है जिसपे क्वेश्चन है 3.16 वाला। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास, ये किसके लिए थे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए थे। ठीक है, अभी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, उसपे जो पेज नंबर है 98, उसपे 4.2 वाला एग्जाम्पल है, 101 वाला पेज है, 4.4 वाला एग्जाम्पल है, 109 वाला पेज है, 4.7 एंड 4.8 वाला एग्जाम्पल है। इसमें सारे के सारे केमिकल काइनेटिक्स में एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एक भी नहीं है। और पेज नंबर है 114, उसपे 4.10 वाला एग्जाम्पल है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सारे ई है, क्यू एक भी नहीं है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है सरफेस केमिस्ट्री के, इसमें तो सिर्फ 146 नंबर पेज खोल लेना आपको, जिसमें क्वेश्चन है 5.7 वाला क्वेश्चन, 5.11 क्वेश्चन एंड 5.26 वाला क्वेश्चन, 5.26। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास सॉल्यूशन तो होंगे ही, तो उसमें से आप इनको इनके आंसर्स को देख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं हम लोग आगे फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो चैप्टर हमने उठाया मेटल एक्सट्रैक्शन वाला, उसमें तो कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 164 खोलना है आपको, क्वेश्चन नंबर लेना है 6.26। देखो, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिया, मतलब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। 6.26 वाला क्वेश्चन लेना है। इसके बाद सीधे चैप्टर आ गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आपको पेज नंबर 178 खोल लेना है, ये पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा, पार्ट नंबर वाली जो बुक है आपकी। ठीक है, बुक खोल के बैठो और सारे एग्जाम्पल को टिक मार्क कर लो। एग्जाम्पल नंबर आपका 7.7 है और एग्जाम्पल नंबर है 7.8 पी ब्लॉक का। इसी तरह से 191 पेज नंबर पर 7.13 एग्जाम्पल है आपका, और
इसी तरह से 207 नंबर पेज, 207 नंबर पेज पर 7.21 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम में आपका तैयारी हो जाएगी। बैठ जाओ, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया है उनके लिए भी टेंशन नहीं है, बैठो और बैठ के तैयारी करो बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? आप शॉर्ट शॉर्ट आसानी से पास हो जाओगे। अब लेते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है डी एन एफ लॉ। 221 नंबर, 221 नंबर पेज है, 8.8 आपका एग्जाम्पल है, 232 नंबर पेज है और 8.10 वाला एग्जाम्पल है, 235 नंबर पेज है एंड 8.26 वाला क्वेश्चन है, ठीक है? अब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको 239 नंबर पेज लेना है और 9.1 एग्जांपल है, 246 वाला पेज लेना है आपको, 9.6 एग्जांपल है, 259 वाला पेज लेना है, 9.16 क्वेश्चन है। मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको बुक उठानी है और ये सारे जो क्वेश्चन है, जो पेज नंबर है, वो टिक मार्क कर लेने हैं, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो या मुझे मेल कर दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तीसरा सेक्शन जो हमने लिया है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये पेज नंबर है, देखो पहला हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला 288 नंबर पेज खोल लेना है और 10.4 एग्जाम्पल है, 295 नंबर पेज खोल लेना है, 10.7 एग्जाम्पल है, 312 312 नंबर पेज है और 10.21 एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास एल्कोहल फिनोल और ईथर, उसके लिए तो आपको सिंपल 345 नंबर पेज नंबर खोल लेना है और 11.17 और 11.18 क्वेश्चन दिए हुए सीधे, ठीक है? उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एल्डिहाइड कीटोन और ईथर है, आपको 362 आपको पेज नंबर खोलना है और 12.4 एग्जाम्पल है और 378 12.11 एग्जाम्पल है और 379 12.19 ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, क्यों लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है? और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 जो है माइंड का है, आपको 392 वाला पेज खोल लेना है, उसके अंदर 13.4 एग्जाम्पल है और 401 वाला क्वेश्चन पेज खोल लेना है, 13.7 क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर्स पर, जैसे कि बायो मोलिक्यूल, आपको 423 423 नंबर पेज खोलना है और 14.9 क्वेश्चन है, उसके अलावा 437 पेज है और 15.12 एक क्वेश्चन है, वो किसके लिए, ये पॉलीमर्स के लिए, ठीक है? उसके अलावा 438 पेज है और 15.20 क्वेश्चन है और लास्ट जो चैप्टर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो है आपका पेज नंबर है 454 और इसमें जो क्वेश्चन नंबर है और एग्जांपल नंबर है सीधे क्वेश्चन ही है, 16.13 एंड 16.21। बस इतने से क्वेश्चन आप तैयार कर लो गाइज। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा होगा, आप टेंशन नहीं ले हो और आप बैठ के आप इनको लिखते जाओ, इनकी प्रैक्टिस करते जाओ। एक और वीडियो मैंने आपको दी थी, उसके अंदर सीधे मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों दिए हुए हैं, ठीक है? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, और शेयर जरूर करो, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे देखो उतने ज्यादा नीडी स्टूडेंट है जिनको अभी जरूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।